पगार थी 400 रुपये। आप ये किस टाइम की बात बता रहे हैं? मैं कह रही हूँ आपको 1984। मैं जब मिस ठाकरे सरनेम से ज़्यादा मैंने श्री बाला साहब जी से बहुत कुछ सीखा, और उनकी वजह से जो भी आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। शादी के बाद, इनफैक्ट डिवोर्स के बाद, मैंने सरनेम चेंज नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ससुर जी की इच्छा थी और मेरे बच्चों का हक था। पॉलिटिक्स आप क्यों दूर नहीं? ऐसे नहीं कि मैं राजनीति नहीं करूंगी या राजनीति में नहीं जाना चाहूंगी, अच्छे मौके का रहा वो राह देख रही होती। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की राह बढ़ाते। सच कहता हूँ, जब मुश्किलें ना होती है मेरा पग तब चलने में भी शर्माता है। मेरे संग चलने लगे हवाई जैसे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदि हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। महान कवि गोपाल दास नीरज की एक खास नजर हमारे आज के खास फनकार के लिए है, क्योंकि उनकी जीवन शैली ही ऐसी रही है। नमस्कार, मैं हूं रिदम दत्ता और आप देख रहे हैं रिदम ऑफ लाइफ। और आज की हमारी खास मेहमान है श्रीमती स्मिता ठाकरे जी, जिनका हम बहुत स्वागत करते हैं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो नज्म है आप अपनी जिंदगी से कैसे जोड़ती हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि आपने बहुत खूबसूरती से उसको कहा है, तो बहुत ही अच्छी नज़्म है और मैं खुद ही बहुत फैन हूँ, बहुत सारी कविताएं पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसी अगर पंक्तियाँ मुझे सुनने को मिलती है तो बहुत खुशी मिलती है। स्मिता जी, अगर ये कहा जाए कि मुंबई शहर जो पहले बॉम्बे था, मुंबई है, आप उस शहर के सबसे नोटेबल पर्सनैलिटीज में से एक हैं, तो आप इस बात से कितना वाकिफ हैं? इससे कितना आपको लगता है? आपकी जिम्मेदारी है, ये आप सभी का प्यार है, और मैं तो यही कहूँगी कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ और अपने विचारों से मैं बहुत ही पक्की हूँ, और मेरे माँ बाप के संस्कार मुझे यहाँ तक पहुँचाए, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मुझे लगता है कि नोटेबल फैमिली में होने के बावजूद भी अगर अपनी काबिलियत हम समाज को ना दिखाएं तो लोग ज़्यादातर ऊपर ही ऊपर वाह करेंगे या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी उतनी। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने काम से या जो भी है, जो भी किया, शिद्दत से किया, और इसकी वजह से मैं शायद आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आप कह रहे थे आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और आप अपने कुछ शुरुआती दिनों के सफ़र की दास्तां हमें बताएं, कैसे शुरुआत हुई और आपकी जर्नी क्या रही उस दौरान? मैं और मेरे माता पिता और मेरी तीन बहनें, हम पहले तो दो ही थी, मेरी छोटी बहन और मेरे में बहुत 9 साल का डिफरेंस था। इनफैक्ट मेरे माँ पिताजी दोनों सर्विस करते थे, मेरे पिताजी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स में थे और मेरी माँ टीचर थी, तो हमारा जो बचपन था वो ज़्यादातर शायद नेबर्स हमको देखते थे या नानी के पास गया, दादी के पास, तो हमको उनका सहवास बहुत कम मिला, पर जो भी मिला उसमें हमको इतना कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने हमको वैल्यूज दी, उन्होंने जो भी वो कमाते थे ऐसा शिक्षण दिया कि हमको कहीं कमी ना हो। इस वो शिक्षण की वजह से आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ या आज मैं समाज के सामने किसी भी विषय से बात कर सकती हूँ। मैंने BSc किया, इनफैक्ट मेरे पिताजी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मुझे फर्स्ट क्लास में पास होना था, वैसे उसके पहले मैं इतना कुछ खास नहीं थी एजुकेशन में, पर उस वक्त एक जिद थी कि मेरे पिताजी की एक ही इच्छा है और मुझे उनको फर्स्ट क्लास ला के दिखाना। बहुत मेहनत की उस वक्त, और खैर ऊपर वाले की दया से मेहनत का फल मिला और BSc ऑनर्स में पास हो गई। तो उसके बाद में बहुत एक अच्छा हौसला मिला, तो ऐसे जिंदगी के एक सफर में ये है कि चलो मैंने अगर ठान ली तो मैं कर सकती हूँ,
तो ये एक चीज अपने आप को आगे लेके जाती है। फिर कॉलेज में बहुत अच्छा, ये कॉलेज के बाद में नौकरी की, मैं मोपेक में थी जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, वहाँ मैंने ट्रैवल एजेंसी का कोर्स सीखा और पासपोर्ट बनाने का काम सीखती थी, उनके इंचार्ज थी। उसके बाद में मैंने सेंटोर में नौकरी की, पर सेंटोर में मैंने एक ही उनको ये कहा कि मैं मुझे ट्रेनिंग करके रखो, पगार थी 400 रुपया। आप ये किस टाइम की बात बता रहे हैं? मैं कह रही हूँ आपको 1984 की बात। बहुत 400 ज्यादा अच्छे थे उस दौरान या कम होते थे? बहुत ही कम। पर वो उस वक्त एक जिद ये थी और माँ बाप ने यही कहा था, पहले पैसे मत सोचो, पहले जिंदगी में कुछ जितना ज्यादा सीख सकती हूँ उतना ज्यादा सीखो। और वहाँ मैं हर डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, बहुत ही अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला। स्मिता ठाकरे अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, अगर मैं बात करूँ सिर्फ स्मिता जी की, जो एक नारी है, उनका दिल कैसा है, उनके मन में क्या चलता है, वो क्या चाहती है? वो एक्चुअली अपने दी हुई उपाधि है, वो ठाकरे सरनेम मिलने के बाद मैं बहुत लोगों ने जानने लगे मुझे। इसलिए मेरा सवाल यही है कि जो स्मिता जी हैं, जो खुद आप एक शख्सियत अपने अंदर है, हम सब की एक शख्सियत होती है। स्मिता एक बहुत ही चुलबुली सी लड़की थी और अभी भी है, वो बचपना मुझमें अभी भी कायम है और बहुत नया नया सीखने की स्मिता में बहुत कीड़ा बोलते हैं ना, उस हिसाब से मैं अपनी नई टेक्नोलॉजी सीखती हूँ, नया कुछ बच्चों को परेशान करती रहती हूँ, मुझे ये सिखाओ मुझे वो सिखा, तो मुझे मजा आता है। और अगला सवाल मेरा यही, जैसे जो आपका सरनेम है स्मिता ठाकरे, इस नाम का वेटेज आपको कितना लगता है, आपने क्या सीखा और अपने हिसाब से आपने इसका कितना मान बढ़ाया? मैं जब मिस ठाकरे सरनेम से ज्यादा मैंने श्री बाला साहब जी से बहुत कुछ सीखा और उनकी वजह से जो भी आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि अगर बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि जो सास ससुर कुछ करते हो तो उस पर प्रोत्साहन मिलता है और उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया है। कुछ भी हो, पहले तो मैं पूरी हाउसवाइफ थी, पूरा मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ का रोल निभाया, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई जो चेंज हो गई, जो मुझे लगा कि मुझे अभी सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होना चाहिए, तो बच्चों की परवरिश करना ये वो बहुत मेरे कंधों पे आ चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे में है उसको मैं बाहर निकालूं और लोड तो नहीं समझूंगी। कई बार एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं तो लोगों को यही लगता है कि भाई चलो इनके पास इनके तो क्या सब आसानी से मिल गया इनको, क्योंकि इनको एक्सेस जरूर मिलती है, हर किसी को एक्सेस जरूर मिली है, पर अगर मैं उस एक्सेस का सही इस्तेमाल ना करूं और मैं सही तरीके से काम ना करूं तो आप मुझे क्यों रिस्पेक्ट दोगे और आप मुझे क्यों साथ दोगे। मुझे भगवान की दया से जब मैंने मेरी फाउंडेशन शुरू की तो मुझे इंडस्ट्री के लोगों का, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, बाकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लोग सबका साथ मिला, तो उससे मेरा हौसला और बढ़ा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ सरनेम से कुछ काम कुछ नहीं होता, सरनेम ऑफकोर्स मायने रखता है, पर शादी के बाद इनफैक्ट डिवोर्स के बाद मैंने सरनेम चेंज नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ससुर जी की इच्छा थी और मेरे बच्चों का हक था, इसलिए मैंने सरनेम चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि तू इसी घराने से है और तू इसी घर में तू रहेगी। और ये जो टफ टाइम था आप जिसके अभी जिक्र कर रही हैं, इससे निकलने की प्रेरणा आपके अंदर कैसे आई? क्योंकि जब लो फेज आता है स्मिता जी, तो हम या तो बिखर जाते हैं और या उस सिचुएशन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, और आप आगे बढ़ी, ये शक्ति आपके अंदर कहाँ से आई? वो शायद मेरे में मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मिली है और मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी को मानती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अंदरूनी शक्ति को ज़रूर मानती हूँ, अपने आप की शक्ति को मैं हमेशा टटोलती हूँ। और देखा जाए तो अगर हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो होते ही है, पर खासकर महिलाओं के जो सिंगल मदर होती है उनके जीवन में उस
तरीके के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको कई बार औरतें टूट जाती है, कई बार उनका उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस वक्त मुझे मेरे सास और ससुर ने बहुत अच्छा मुझे साथ दिया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। पर मैंने काम में ध्यान दिया, मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी ना हूँ, अगर मैंने अपनी काबिलियत नहीं दिखाई, काबिलियत अता नहीं दिखाई, तो शायद मैं कमज़ोर हो जाऊँगी। तो ये एक सोच एक हर एक महिला में होनी चाहिए और उसी को आप तराशो, उसी को आप आगे लेके जाओ, उसी को चैलेंज दो, अपने आप ऊपर जाओगे, अपने आप वो प्रॉब्लम जो आपको उस वक्त बहुत बड़ा लग रहा था अभी आपको बहुत छोटा लगेगा। दिल से जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स आप क्यों दूर हैं, क्या आपको लाइमलाइट से डर लगता है और या फिर भविष्य में हम आपको देख सकते हैं? अगर लाइमलाइट से डर होता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में ना होती। एक्चुअली पॉलिटिक्स राजनीति जिसको कहते हैं वो कई तरीके की होती है। आप शायद अलग तरीके की राजनीति करोगे, मैं अलग तरीके की करूँगी। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है पॉलिटिक्स एक विचारधारा है जो जिसकी जैसी वैसी पॉलिटिक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सोचती हूँ हमारे घर में जो राजनीति हुई या जो मैंने बहुत ही नजदीक से, तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ भी और नहीं भी। जो पॉलिटिक्स मेरे वो राजनीति जो साहब करते थे, इनफैक्ट वो पॉलिटिशियंस थे ही नहीं, उनसे जो राजनीति के की चीज़ें जो मैंने सीखी है वो ज़्यादातर समाज सेवा के तौर पे जाती है, क्योंकि उन्होंने भी ज़्यादातर समाज सेवा ही की है, फिर उसको राजनीति का रूप मिला है। तो मैंने वो अंश पकड़ा है अपने जीवन में और समाज सेवा पे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया है। पर ऐसे नहीं कि मैं राजनीति नहीं करूँगी या राजनीति में नहीं जाना चाहूँगी। अच्छे मौके का रहा वो राह देख रही हूँ, अच्छे मौके की अगर किसी को लगा तो शायद मैं कर भी सकती हूँ। हम तो जरूर चाहेंगे आप आए और हमारा वोट भी आपको जरूर आएगा। थैंक यू। सुधा जी, आपने इस देश को भी काफी करीब से देखा है और 2022 के इस समय में आप अपने इस देश को कितना बदलाव, इस देश में बदलाव देखती हैं और आने वाला भविष्य आपको कैसा नजर आ रहा है? कई तरीके के बदलाव है हमारे देश में, अच्छी चीजें भी बहुत। आज अगर आप देखा जाए तो हर एक देश में, पूरी वर्ल्ड में इंडिया को बहुत ऊपर देखा जाता है, जो कि कुछ साल पहले नहीं था। और वो शायद हमारे नई टेक्नोलॉजी, लोगों की सोच और मेरे ख्याल से बहुत सारा यूथ जो इस नई टेक्नोलॉजीज को फॉलो करता है। जहाँ तक घर का सवाल है या जहाँ तक हमारे कुटुंब पद्धति का सवाल है, जो इंडियन कल्चर को देखा जाता है, उसे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ। नाराज़ मीन्स क्या, उसके रिपरकशंस थोड़े से अपने बहुत सारे लोगों तक पहुँचे हैं, क्योंकि व्यस्तता इतनी हो चुकी है और हर एक अपने अपने घरों में, हर अपने अपने रूम में बिजी रहता है। भले वो काम में बिजी रहता है पर वो जो इमोशनल बॉन्डिंग जो कुटुंब में होती है वो कहीं ना कहीं मुझे मिस है। आज की यूथ से आप कितना प्रभावित हैं? मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि अगेन उसके भी दो पहलू हैं, क्योंकि वो यूथ भी मेरे पास, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो हमने ड्रग अब्यूज के लिए काम किया है मुक्ति फाउंडेशन में, उसमें जब पेरेंट्स आते हैं तब मुझे इतना ख़राब लगता है कि उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते हैं, उनके बच्चे कहाँ जाते हैं उनको पता तक नहीं होता। और अगेन जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, वो माँ बाप तरह से रहते हैं कि अरे मेरा बेटा कब आया और मैं कब उसके साथ बैठूँ। तो वो चीज़ें यूथ में आजकल ज़्यादा दिखने लगी है, ये एक टाइप का यूथ है। दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी को ये करके देश को आगे लेके जा रहा है और उसको बैलेंस रखते हुए आप अपनी तरक्की करें। कौन माँ बाप चाहते हैं नहीं है कि अपनी अपना बेटा तरक्की करे, पर कहीं ना कहीं आप अपने घर को भी देखो, घर के भले मिस अपने माँ बाप के साथ अगर थोड़ा सा वक्त बिताओ, उनके साथ अच्छी शिक्षा लो, आपके बच्चों को अपने माँ बाप के साथ बिठाओ ताकि उनके तजुर्बे से वो बच्चे भी कुछ सीखे। और इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल भी इसमें था, जैसे आपने अपने मम्मी पापा की बात बताई
इन लॉस की आपने बात बताई। आजकल की जो यूथ है उनके अंदर ये एक धारणा है कि उनको अपना स्पेस चाहिए, उनको थोड़ा दूर रहना है, क्या आप इस बात से इस बात को ठीक मानती हैं कि जो स्पेस टाइम है, जो मी टाइम आजकल चल रहा है, उसके अगेंस्ट पूरी तरह से नहीं हूँ, क्योंकि हर एक की जिंदगी होती है, हर एक के घर में अलग अलग माहौल होता है। तो अगर आप हर वक्त यही चाहोगे कि अरे मुझे अपने स्पेस में रहना है, तो क्या आपके माँ बाप ने अगर ये सोचा होता तो आप यहाँ तक पहुँचते उस वक्त? अब वो भी बोलते मैं अपने बच्चों को बाहर छोड़ दो, जो वो अपनी ज़िंदगी जिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर वो बात नहीं होती, पर स्पेस कुछ हद तक ठीक है, जहाँ अपनी खुशियों को मार के आप हर चीज़ नहीं करें। अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पेस में भले रहिए, पर वो उस स्पेस में कहीं तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उनका भी ख्याल रखिए। पेशेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में, और आपने कभी ऐसा हुआ आपने पेशेंस लूज की, ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ? एक्चुअली पेशेंस मींस हम उसको संयम कहते हैं, तो संयम की भी कई तरह की परिभाषाएं होती है, जो अगर किसी को आप एक बार बताओ, दूसरी बार बताओ, एक चीज ये ना करो, उसमें आपका एक कॉमन संयम निकल जाता है, पेशेंस लूज करते हो आप। पर अगर कुछ शिद्दत से हमको कुछ काम करना है, शिद्दत से अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है। पेशेंस की बात कर रहे थे, वैसे ही हम सबकी जिंदगी में लो फेजेस भी होते हैं स्मिता जी, अगर मैं बात करूँ लो फेज की, तो आपके हम सबकी जिंदगी में जो लो फेज आता है उसे कैसे टैकल करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई ऐसा लो फेज जिसमें आपके लिए वो एक मोटिवेशन भी बना और आपने उससे सीखा भी? मैं यही कहूंगी कि वो लो फेस को आप एक चैलेंज समझो, मींस उसके मेरे लिए ये मेरे जिंदगी में ये क्यों हुआ, मैं क्यों ऐसे, अपने आप को सेल्फ सिंपथी अगर करने लगोगे तो आप उस पर उभरोगे ही नहीं, क्योंकि सामने वाला आपको सिर्फ दो शब्द बोल के निकल जाएगा, या कोई समाज में ऐसा कोई नहीं है जो आपको साथ में लेके चले। आप जैसे शुरुआत की पंक्तियों में आपने कहा है, उसमें यही तो कहा है कि आप अपनी काबिलियत को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी काबिलियत पे पहुंचने की कोशिश करो, उसको उसका इस्तेमाल करके मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। तो लो फेज हाई फेज ये सब उसको टैकल करने की शक्ति आप सीखो। मैं तो भगवान को यही बोलती हूँ, चलो मुझे जो जो दिखाना है तो दिखा, पर मुझे शक्ति जरूर दे उसका सामना करने की। मतलब जो पब्लिक फिगर है जैसे आप हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आम आदमी की ये विचारधारा रहती है कि पब्लिक फिगर्स को ना तकलीफ होती है, ना कोई समस्याओं से गुजरना पड़ता है, बहुत ही नॉर्मल होती है उनकी जिंदगी। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज, क्या मैं अपने आप को ऐसे कुछ मानती नहीं हूँ, मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जब श्री रतन टाटा जी को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हुए देखा, और मैं उनकी बहुत ही बड़ी, बिल्कुल हम सब उनके बहुत बड़ी, सब में से उनके, ही इज The Institute of Inspiration। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मेरे हिसाब से रतन टाटा जी बैलेंस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, उन्होंने हर चीज में बैलेंस एक बखूबी निभाया और बनाया। मैंने अभी उनका वीडियो देखा बर्थडे मनाते हुए, छोटा सा वो जो सिंपलिसिटी है उसको आप अगर कोई नहीं सेलिब्रिटी हो या नहीं भी हो, आप ऐसे सेलिब्रिटी एक वर्ड समाज ने दिया हुआ वर्ड है, और इंसान इंसान ही होता है, उसको भी दुख होता है, उसको भी सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ज़्यादातर अपनी प्राइवेसी खो देते हैं सेलिब्रिटीज़, क्योंकि जो भी पापराजी ये वो लोगों को इतना टाइम है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आप उसको भी समझो थोड़ा बहुत, ये अगर उनसे भी गलतियाँ होती है, जरूरी नहीं कि उनको ट्रोल करो, एक छोटी सी गलती के लिए भी आप उसको ट्रोल करते जाओ। तो ये अगर आपको समाज में बोलने का हक दिया है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करके भाई बोलो, कि उनकी भी जिंदगी होती है। मदन जी, ये कहा जाता है कि माँ बच्चों का आईना होती है, तो आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है और क्या झलक देखती हैं आप अपने उनके अंदर? मेरी पूरी जिंदगी बच्चों की होती है, तो बच्चों के लिए ही जो भी है, अगर मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैं आज तक काम करती आ रही हूँ, मैं अपने लिए तो कर ही रही हूँ, पर उन्होंने दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री चुनी है
और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं मेरे, तो ऐसे नहीं कह रही हूँ कि, पर माँ उनके लिए सब कुछ है और मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ है। बहुत खूब। सुधा जी, आपका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत करीब का रिश्ता रहा है, किस नजर से देखती हैं आप अपना ही इंडस्ट्री को और शोबिज की इस दुनिया को जो बहुत इवॉल्व हो चुकी है आज? पहले के जमाने में मेरे ख्याल से जो फिल्में बनती थी उसमें बहुत सारी मिस हाउ शायद वो लार्जर देन लाइफ, ये वो अभी भी साउथ की सब फिल्में ज्यादातर वैसी होती है, पर अभी की फिल्मों में काफी चेंजेस ये है कि सबको सटल एक्टिंग देखना पसंद है, यू नो आम लोगों से जुड़ी हुई जिंदगी देखना पसंद है, तो ये काफ़ी चेंजेस आए हैं और लोगों में बहुत चेंजेस आए फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड डायरेक्टर्स आ चुके हैं, एजुकेटेड इन द सेंस वो बाहर से सीख के आए हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी भी ज़्यादातर नॉर्मल फिल्मों में भी अच्छे से अच्छा VFX का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब चेंजेस बहुत अच्छे तरीके से हमारे फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने उठाया। मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई किस्सा हमारी इंडस्ट्री का जो आपके दिल के बहुत करीब और आप अक्सर सोचती हैं बहुत हौसला मिलता है, ऐसी कोई कहानी हमें जरूर बताओ। और क्या दिल के कोई करीब ऐसा किस्सा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का आपके बहुत करीब है और अक्सर अगर आप सोचती तो बहुत हौसला मिलता है आपको? दिल के करीब मीन्स मैं जब व्हेन आई वाज इलेक्टेड एज एन इंपा प्रेसिडेंट, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक ही फिल्म बनाई थी और मैं बाद में मुझे शक्ति सावंता जी ने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए और मैं पहली महिला थी जो इलेक्शन लड़के मैं जीती थी, तो प्रेसिडेंट बनी थी और इम्पा इज दी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नरगिस जी थी जो जो कि इलेक्टेड नहीं थी वो नॉमिनेटेड थी, और वो जो एक्सपीरियंस मेरे लिए था और मैंने एक औरत होने के नाते उसको कुर्सी को संभाला जहाँ सभी बहुत तजुर्बेकार और बहुत ही उम्र के डायरेक्टर्स बैठे थे और कई सारे ऐसे केसेस आते थे जो कि मुझे उसका फैसला देना पड़ता था, तो वो बहुत ही यादगार पीरियड था मेरे लिए और जूरी हुई थी मैं, कई अवार्ड्स में जूरी हुई थी, वो एक नया एक्सपीरियंस था फिल्म इंडस्ट्री में। फिर आईफा में थी मैं स्पीकर थी, ये सब चीजें नई नई चीजों में मुझे बहुत सीखने को मिला और फिल्म इंडस्ट्री में से मैं काफी नजदीक जाती गई। सबसे बड़ी बात जो मैं जब प्रेसिडेंट बनी तो सबसे बड़ी बात मैंने उस वक्त पायरेसी बहुत होती तो मैंने अपना रूप दिखा दिया और हर एक पार्लर्स पे मैंने अपने पुलिस को लेके उस पर छापे मारे, तो उस दौरान ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए पायरेसी ज़्यादातर मीन्स 90% मैंने पायरेसी ख़त्म कर दी थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त, तो मज़ा आया था उस वक्त। आपकी फाउंडेशन मुक्ति, मुझे पता है आपके दिल के बहुत करीब है, आपने बहुत मेहनत से सींचा है इसे, इसके बारे में बताएं। मिस कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आया, 27 इयर्स आई एम वर्किंग इन मुक्ति और अगेन साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है, इनफैक्ट उन्होंने लोगों को बनाया था और मैं आज उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको यहाँ तक पहुँचाया है और अभी बच्चे भी उसमें ध्यान दे रहे हैं। उस वक्त एज का बहुत बड़ा वो था, तो वैसे करते करते हमने एक बुद्धि लिए और उसको करते रहे। अभी फिलहाल हम मेरे एम्पावरमेंट में ध्यान दे रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि लोगों तक पहुँचने के लिए अगर लोगों को सही लगता है तो उनको ऐसे फाउंडेशंस को अपने आप आगे जाके मदद करने की ज़रूरत है और फिर काम बोलेगा, आप मांगो उनसे कि चलो हमने इतने इतने डोनेशन दिए हैं या हमने ये काम के लिए दिया, आप अपना काम दिखाओ, तो अगर ये रहा तो मेरे ख्याल से कई बार ऐसे होता है कि फाउंडेशन सिर्फ नाम के लिए होती है तो उनके कई सारे मकसद होते हैं उसके पीछे, तो मैं ये नहीं मैं कहना चाहूँगी, पर मुझे उनसे कोई बिना शिकवा नहीं है, वो अपनी जगह सही होंगे, मुझे नहीं पता उनके पीछे वो ऐसा क्यों करते हैं, पर
मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं जो भी करना चाहती हूँ वो करती हूँ, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी से करती हूँ। तो लोगों को मैं हमेशा यही कहूँगी कि आपको हक है, मुझे पूछो। आप एक सक्सेसफुल फीमेल हैं सुधा जी, और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पहले और आज की नारी में आप क्या बदलाव देखती हैं, तो क्या आपके चेहरे पर खुशी आएगी या फिर आप किसी तरह की सोच में चली जाएंगी, अभी भी बदलाव की जरूरत है? बदलाव हमेशा चाहिए और भी चाहिए, बहुत फर्क है। पहले की औरतें ज्यादातर घरों में रहती थी, उनको शायद मौका नहीं मिलता था, एजुकेशन नहीं था। अभी बहुत बदलाव, क्योंकि हर पेरेंट्स को मालूम है कि बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और आज कई सारे ऐसे ऐसी जगह पे बेटियां बैठी है, औरतें बैठी है जो इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर रही है। जो मैं बराबर का ये वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगी, पर कई बार उसू से आगे भी जा चुकी है। सुधा जी, मुझे एक चीज आज के जमाने की बड़ी अच्छी लगती है, वो है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को काफी मायने देते हैं। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में मेडिटेशन के क्या मायने हैं? ऑफकोर्स कर सकता है, अब आपकी इच्छा होनी जरूरी है, और अगेन उसमें आपको डेडिकेशन। मेडिटेशन में ये नहीं समझ के अभी बैठो और वो मेडिटेशन करो, वो ही जरूरी नहीं है। अगर आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, बहुत दिल से ध्यान से सुने, वो भी एक मेडिटेशन है। आप कोई काम में अगर ट्रेडमिल पे हो या मैं जिम कर रही हूँ, तो जिम के वक्त में भी मैं एक फोकस्ड हूँ, वो भी मेरे लिए एक मेडिटेशन है। तो आपके माइंड को संतुलित रखना, वो कुछ काम करते समय भी करो, कुछ ना करते समय भी करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं मानती हूँ स्पिरिचुअलिटी, यूथ भी काफी अट्रैक्टेड है आजकल स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि उसके रिजल्ट्स देखे हैं लोगों ने, उसके रिजल्ट्स देखे हैं, और लोग बहुत मेडिटेशन से बहुत ही काम हुए हैं। जो भी उनका डिवोशन, उनका काम के प्रति जो है, उसकी डिलीवरी अच्छी हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है, मेडिटेशन और योगा, ये दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे संस्कृति की बहुत ही अहम चीजें हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपने अपने तरीके से उसको फॉलो करो, और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। स्मिता जी, 2022 की बात करें तो स्मिता जी का मन और मस्तिष्क में क्या चल रहा है और क्या फील कर रहे हैं? उस बहुत कुछ काम करना है और मैं 22-23 कुछ भी जो भी नया साल आता है उसमें कुछ और नया सीखने की कोशिश करती हूँ, और नया करने की कोशिश करती हूँ। ये गाड़ी जो मेरे जीवन की है, वो आखिरी दम तक मैं चलाना चाहती हूँ, और वो तभी चलती है जब आप कुछ नई नई चीजें जिंदगी में करते रहते हो। अगर हम समय के तराजू को तोलें तो आपका सर किस ओर झुकेगा, कि आपने पाया है या खोया है, आपका कहना चाहोगे? मैंने एक्चुअली पाया है इनफैक्ट, क्योंकि अगर मैंने खोया भी है उसमें भी मैंने पाने की कोशिश की है। ऐसा वो कौन सा पॉइंट रहा है कि आपको यकीन हो गया कि ये आपकी रिदम ऑफ लाइफ है? जब मैं माँ बनी। क्या बात है। तो दोनों बच्चों की माँ बनने में मुझे बहुत, और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। अभी भी मैं जाती हूँ शेल्टर होम्स में, जाती हूँ, बच्चों को आराम किया है, मैंने स्कूल को आराम किया है, जिसमें उनके साथ वक्त बिताती हूँ। तो मुझे खुद को बहुत खुशी मिलती है बच्चों के साथ वक्त बिताने में, और मेरी रिदम ऑफ लाइफ तभी से शुरू हो गई, और अभी उसी रिदम में मैं चल रही हूँ अभी तक। थैंक यू सुधा जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें बहुत सीखने को मिला, और हम आज एक नई स्मिता ठाकरे जी से मिल रहे हैं जो सच में चुलबुली भी हैं, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना उनका मन और ध्यान भी है, और हमारे को आज बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ स्मिता जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए, और हौसला रखने की और मेहनत से काम करते रहने की हिदायत दी। स्मिता जी की बातों से हमें हमारे पीके बाबा की भी एक बात याद आ गई, और वो ये कहते हैं कि जो लोग सिर्फ किस्मत की बदौलत अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो इस डर को भी पालते हैं कि कब इनसे ये चीजें दूर हो जाएं। इसलिए दोस्तों, किस्मत के बदौलत मत रहिए,
मेहनत और सब्र के साथ अपना काम करते जाइए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए फनकार के साथ। अपना ध्यान रखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शाहिद ईशान और आप अगर एक फिल्म में कास्ट किए जाएं तो उस किरदार का, उस फिल्म का क्या नाम होना चाहिए? एक बहुत इंडिविजुअल्स की कहानी होनी चाहिए कि एक माँ है लेकिन इंडिविजुअल है, बच्चे हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन भाई हैं। तो कुछ इस तरह से अगर रियल लाइफ में से कुछ चीज़ें लेते हुए और फिर सिनेमैटिकली उसको ट्रांसलेट किया जाए और एक आर्टिस्टिक जर्नी भी हो उसमें, तो बड़ा मज़ा आएगा।